सभोपदेशक अध्याय आठ। सभोपदेशक अध्याय आठ। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की ढीठाई दूर हो जाती है। मैं तुझे सम्मति देता हूं कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना न बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? जो आज्ञा को मानता है वह बुरी बात में भागी नहीं होता, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है, क्योंकि एक एक विषय का समय और नियम होता है। इस कारण मनुष्य की दुर्दशा उसके लिए बहुत भारी है, वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, यह उसको कौन बता सकता है? कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकालते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन में अधिकार होता है, और न उस लड़ाई में छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। यह सब कुछ मैंने देखा, और जितने काम धरती पर किए जाते हैं सबको मन लगाकर ध्यानपूर्वक देखा कि ऐसा समय होता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है, और मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी कब्र तो बनी परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए, और उनका स्मरण नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ ही है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरता है और अपने तई उसके सन्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका तो भला ही होगा, परंतु दुष्ट का भला नहीं होगा, और उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने न पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों को होनी चाहिए, ऐसे दुष्ट भी है जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए, और मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। तब मैंने आनंद को सराहा, इसलिए कि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि उसको जीवन भर में जो परमेश्वर उसके संग बना लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में वही उसके रहेगा। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कोई ऐसे भी मनुष्य है जो रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसकी थाह मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में परिश्रम भी करे तो भी उसको न पा जान पाएगा, और यद्यपि बुद्धिमान कहे कि मैं उसे समझूंगा तो भी वह उसकी थाह न पा सकेगा।